मामला है हमीरपुर जनपद की मोदाह कोतवाली का, जहां पर क्षेत्र के लगभग 10% बेरोजगार युवा खाड़ी देशों में मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसके चलते कोतवाली क्षेत्र में पासपोर्ट बनवाने वालों की संख्या अधिक है। कोतवाली पुलिस के कुछ जिम्मेदार बेरोजगारों की इसी समस्या का फायदा उठाकर पासपोर्ट की इंक्वायरी के नाम पर बकायदा सुविधा शुल्क निश्चित किए हुए हैं। इतना ही नहीं, सेवानिवृत्त होमगार्ड इस काम को करते हुए अमीर बन गया है। आज इस मामले का एक ऑडियो वायरल होने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि क्षेत्र अधिकारी सौम्या पांडे के आदेश पर कोतवाली प्रभारी राजेश चंद्र त्रिपाठी ने आरोपी के विरुद्ध धारा 419 384 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले काले कारनामे में कितने लोगों के नाम उजागर होते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि घटना के 24 घंटे बाद भी किसी जिम्मेदार अधिकारी ने बयान नहीं दिया है। के खिलाफ जो मैंने तहरीर दिया है कोतवाल साहब को, तो कोतवाल साहब ने उनको अपने कुछ लोगों को भेजा है उनको बुलाने के लिए। वो आने के बाद में कोतवाल साहब ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए बोला है। किस बात की तहरीर दी आप? ये पंडित जी ने पासपोर्ट इंक्वायरी जो आती है उसके लिए उन्होंने हमसे 600 रुपये मांगे। फोन द्वारा मांगे? फोन द्वारा मांगा, तो बोल रहे थे इतना खर्चा आता आएगा, ये खर्चा आपको लागू देना ही पड़ेगा। कोतवाल साहब क्या करें? कोतवाल साहब बोल रहे हैं कि उनके खिलाफ मुकदमा कायम होगा।